हेलो, तुझे ये नहीं पता? चल मेरी वीडियो देख, अब तो तुझे और अच्छे से समझ आएगा। आप तो ये जानते ही हैं पेट्रोल के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि रिटेल प्राइस पेट्रोल का कैसे कैलकुलेट होता है, फाइनल उसकी अमाउंट कैसे सेट होती है? अगर नहीं, सो इस वीडियो को चेक करिए फाइनल तक। लेट्स मूव अहेड इन द वीडियो। हाय एवरीवन, आई एम विशु होकर, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्रेशन ट्रूली। जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल का, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर वन, बेस प्राइस। जो बेस प्राइस है वो इंटरनेशनल ऑयल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। नंबर टू इज हियर एक्साइज ड्यूटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, एंड एक्साइज ड्यूटी हमारे पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। नंबर थ्री, वेट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वेट लगाते हैं, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपना डिफरेंट वेट लगाते हैं, सो इसीलिए वेट डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। सो फाइनली पेट्रोल का रिटेल प्राइस हो जाता है बेस प्राइस प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट वेट टैक्स इक्वल्स टू फाइनल प्राइस ऑफ द पेट्रोल। एक्साइज ड्यूटी एंड वेट एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी दोनों गवर्नमेंट के लिए, वेदर इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एज पर आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी से 18.4% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पेट्रोल एंड एल्कोहल से अप्रोक्स 25-35% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आई होप यू गेट फ्यू इंसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो, सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर कम्युनिटी, विद योर फ्रेंड्स। That's all about this video. Also, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Expression Truly. Thank you, everyone.